जमूर है? तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों किया कल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला? जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। खगा की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला, बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत, शिक्षा पैसे वालों की, सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। क्या हुआ? अरे बताना, क्या क्या उल्टी आ रही है? अरे क्या खाया तेरे रात को? खाना तो ठीक ही है, दिखा बुखार भी ना है। चल तू अंदर चल के लेट, मैं डॉक्टर जी के पास जाता हूँ। चल। अरे बुद्धू, इतना घबरा क्यों रहा है? देखना रे ताई, कितनी उल्टी आ रही है। 2 महीने है गए तेरे ब्याह को, उल्लू कहीं की उल्टी ना होगी तो और क्या होगा। अरे ये दीदे क्या पटपटा रहा है? बहू पेट से है। हाँ क्या पेट से? अशो कैसे? अब जेवी क्या तुझे मैं बताऊंगी? अरे बहू, ये कैसे घुग्गू से ब्याह कर लिया तेने? अच्छा ठहर, मैं अभी आई अंदर। अशो चल चल अंदर चल के लेट, आ जा। चल 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 आराम से लेट जा, लेट जा, लेट जा, लेट जा। अरे वो आप लेट जागी, तू जाके सुखिया को बुला के ले आ, वो ही बताएगी कि आगे क्या करना है। सुखिया को? उस बूढ़ी दाई को? हाँ। अच्छा अभी गया। जा जा। ठहरो जी, सुखिया को बुलाने की कोई जरूरत ना है। पर ताई बता रही है तू पेट से है, सुखिया को तो बुलाना ही पड़ेगा। अरे तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे अभी अभी कुछ है जाएगा, कम से कम 7-8 महीने लगेंगे। 7-8 महीने? पर तुझे तो अभी से उल्टियां आ रही हैं। ओफो कैसा बुद्धू है, शुरू शुरू में तो होती हैंगी उल्टियां, बाद में सब ठीक है जाएगा, कुछ नहीं जानता। शुरू शुरू में? तुझे ठीक पता है? हाँ बाबा हाँ। मैं सुखिया को लेवा के लाता हूँ। ना सुखिया ना आने के इस घर में, तुम उषा बहन जी के पास जाओ। उषा बहन जी के पास? पर जे काम तो सुखिया ही करे है। तू लेट, मैं उसे लेवा के लाता हूँ। मैंने कहा ना सुखिया ना आने की, यहाँ मोको ना करानी उससे जांच। असलफी नई बात मत ना करे, सुखिया 30 बरस से गांव में बच्चे करा रही है, और जे कल की छोकरी उससे ज्यादा जानती है क्या? और देख जिसकी आप शादी ना हुई हो वो का जाने कि जच्चा की देखभाल कैसे रखेंगे। उषा बहन जी ने इसी काम की ट्रेनिंग ली है, 4 बरस की ट्रेनिंग की जच्चा बच्चा को कैसे देखा जावे। असलफी मेरी बात मान, ये तेरा पहला बच्चा है, फालतू जितना करा करे, पर इस डॉक्टर आने के चक्कर में मत पड़। सुखिया काम जानती है, उसी से जांच करा ले। रहमान इस बावड़ी की बात पे ध्यान मत दे, जा बुला के ला सुखिया को। रुको जी, बजाय सारे मोहल्ले की पंचायत बुलाने के तुम सीधे उषा बहन जी के पास जाओ। पर अशोक सुखिया से क्यों ना करा लेती जांच? बस नहीं कराती। पर क्यों? मुको उषा बहन जी पे भरोसा हैगा। और सुखिया पे ना है, चच्चा की तीनों बीवियों के बच्चे उसी ने करवाए, कोई ना गई अपने मायके। पर तुम्हारी इकलौती बीवी का बच्चा वो ना कराने की, चच्चा की तीनों बीवियां, अरे उनमें से बच्चे कितने जे ना बता रहे। पुराने तरीकों पे चल के बहुत देख लिया,
अब कुछ नई बातें भी मानो। लेकिन 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 कुछ नहीं। एक बार सुखिया से भी। मैंने कहा ना तुम नहीं जाते तो मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं तू मत ना उठ, मैं ही चला जाता हूँ। मैं एक कागज पे सारी बातें लिखे दे रही हूँ, तुम जाके उसा बहन जी को दे देना और जो वो कहे मुझे आके बताना। सवेरे सवेरे 3 बार उल्टी हुई, लगातार मतली और घबराहट रहती है, कहो तो वहीं दिखा जाए, नहीं तो तुम समय निकाल कर देख जाना। सुखिया को नहीं दिखाना चाहती, कोई परहेज हो तो बतला भेजो। अरे तुम क्यों घबरा रहे हो? वैसे मैं अशरफी को सब कुछ समझा चुकी हूँ, वो बहुत होशियार लड़की है। डॉक्टर साहब अशरफी एकदम फीकी पड़ गई हैगी, बार बार उल्टी कर रही हैगी। मुझे मालूम है, शुरू शुरू में ऐसा हो सकता है मगर ज्यादा दिन नहीं होगा। उसका कहना कि कोई खास परहेज नहीं है, बस खाली पेट ना रहे, पेट भर के खाए और उल्टी होने के बाद भी थोड़ा बहुत खाती पीती रहे। सबसे बड़ी बात तो ये कि तुम मत घबराओ, उसके पास बैठना, बातचीत से उसका मन बहलाना, और सुनो दाइयों और टोने टोटकों के चक्कर में मत पड़ना, समझे? जी हाँ। तुम चलो मैं अभी आती हूँ। अच्छा जी, अच्छा। तेरे पढ़ने जाने का समय नहीं हुआ है क्या? तो भाग। एक बार फिर ठीक। अब तुम सब अपनी अपनी अभ्यास पुस्तक में लिखो ट। मौसी, मौसी, वो मौसी, देख क्या हुआ रे? कहाँ है जे? सवेरे सवेरे 3 बार उल्टी हुई, लगातार मतली और घबराहट रहती। अरे जी है क्या? पढ़ के तो देख पूरा। कहो तो वहीं दिखा जाए, नहीं तो तुम समय निकाल कर देख जाना। किन्ने दिया ये? रहमान लाया उषा बहन जी के पास। अच्छा अच्छा, अशरफी ने दिया होगा। हाँ। ये तो इसमें इतना चहकने की क्या बात है? खुशी की बात ना है, तूने ठीक से पढ़ा नहीं मौसी। फिर से पढ़ लेना। सुखिया को नहीं दिखाना चाहती, कोई परहेज हो तो बतला भेजो। क्या सच्ची? सच्ची, अशरफी के बच्चा होवेगा, उषा बहन जी उसे देखने जाएंगी। रहमान को खुराक के बारे में बताया सब और दाई बुलाने की सख्त मना कर दी। चलो अच्छा हुआ, बच्चों पे जान छिड़के ही, अब अपना है जागा। रहमान तो ऐसा शरमारा जैसे जमीन में ही गड़ जागा और पत्ते की तरह थर 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 कांपे। बेचारे के मुंह से आवाज ही ना निकली, मेरी तो हंसी ना रुकी। अरे तुझे तो हर बात पे हंसी आवे है, जब तेरे होंगे तब देखती हूँ कितना हंसती है। अरे औलाद का मुंह देखना कोई हंसी खेल ना है, जो 9 महीना पेट में रख के चले है उससे पूछियो कि कैसा लगे। पर जिस सुखिया को बुलाने की मना क्यों करी? अशरफी ने आप ही लिखा कि सुखिया को ना बुलाना चाहती। पर क्यों? अरे अच्छी करी जो मना कर दी, जब गांव में कोई ना हा तो सुखिया से काम चलाना पड़ेगा। पर सच्ची बात तो ये है कि उसके सारे तरीके पुराने, ना सफाई ना कुछ, उल्टे सीधे नुस्खे, उल्टी सीधी खुराके। पर अब जब से अस्पताल खुल गया और उषा बहन जी आ गई, फिर इसकी माँ ने ट्रेनिंग कर ली, तो सब काम सफाई से और सही तरीके से होने लगा। फिर भला बताओ बेकार सुखिया को बुला के खतरा मोल लेने की क्या पड़ी है? अरे वाह, जे खूब गई, और सुखिया का क्या होगा? जच्चा बच्चा का काम हाथ से निकल गया तो बेचारी भूखो ना मर जाएगी। कितनी बार कही उषा बहन जी ने, ट्रेनिंग कर ले, सरकारी दाई हो जा, वो मानती ना? अरे उसे तो अपने पुराने तरीके सही लगे हैं, भले ही आधे बच्चे पैदाइश में मर जाए। छोड़ो ये सब, जल्दी जल्दी 15वां पाठ खोलो, फटाफट पढ़ो, फिर अशरफी से मिलने चलेंगे। हाँ? पता नहीं अकेली क्या कर रही होगी बेचारी। उल्टी मूर्ति, ये मजाक की बात ना है,
मैंने क्या कही? अरे ना सुशीला, जे बेचारी तो किताब में सही पढ़ रही ही। ओ हाँ, मैं तो भूल गई ही कि जे पाठ तो इसी बारे में है। वैसे एक बात है सुशीला, इस किताब में सब कुछ हैगा, जो जो गांव में होवे है या में कहीं ना कहीं जरूर मिल जाओ। सो तो है। अच्छा टा लिख लिया ना? हाँ देखो ये लो। एक और नई चीज जो इस पाठ में आई है वो है ओ। ओ। ओ की मात्रा? ना, मात्रा बाद में सिखाऊंगी, पहले जे सीखो। ओ से औरत, औलाद, औजार। लिखो अपनी अपनी स्लेट पे, पाठ फिर पढ़ेंगे। ठीक मूर्ति, अब पाठ शुरू कर दू। आओ औरत औलाद। राम राम ठाकुर साहब, आइए। ठाकुर साहब अंदर कदम भी ना रखने के बाहर बुला डॉक्टरनी को। अरे क्या हुआ ठाकुर साहब? होया क्या? मेरे पेट पे लात मार के पूछे होया क्या? मैं कहती हूँ बिजली गिरे इस अस्पताल पे, कीड़े पड़ेंगे डॉक्टरनी में, मुंह जली गरीबों की रोटी छीन के एडना चावे है। अरे खड़ी खड़ी मुँह क्या देखे है? बाहर बुला बंगालन को। अरे जुबान को लगाम दे सुखिया, दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? कौन है मेरे में? अरे ठाकुर साहब आइए आइए, तशरीफ लाइए। उषा जी, आप शायद भूल गई, मैंने आपको सख्त हिदायत करी थी कि सरकारी अस्पताल है, इसे सरकारी अस्पताल की तरह ही चलाइए, गांधी बाबा का आश्रम बनाने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब बिल्कुल साफ है, आप अपने अस्पताल में बैठकर जो मर्जी दवा दारू कीजिए, लेकिन यहां से बाहर निकलकर गांव के रीति रिवाजों में टांग मत अड़ाइए। 20 साल से सुखिया गांव में जच्चा बच्चा का काम करती चली आ रही है, गांव की आधी आबादी इसी के हाथ से पैदा हुई है। आप इस काम में हाथ नहीं डालेंगे, समझी? नहीं, ये तो मेरे मुंह की रोटी छीन के ही चैन आवेगा इसे, मुंह को बर्बाद करके ही रहेगी ये। सुखिया ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कितने बार कहा कि तुम ट्रेनिंग ले लो, कितना तजुर्बा है तुम्हें, नए तरीके सीखने में तुम्हें जरा भी वक्त नहीं लगेगा, वरना मैं और मीरा कितने के संभालेंगे? तुम ट्रेन हो जाओगी तो गांव में जच्चा बच्चा के काम में बहुत सुधर आएगा। उषा जी, आपका भाषण सुनने नहीं आया हूं। मैं आपको ये चेतावनी देकर जा रहा हूँ कि सुखिया के काम में रोड़े ना अटकाएं, वरना ठीक नहीं होगा। ठाकुर साहब, मुझे सुखिया से कोई दुश्मनी नहीं है और किसी को उसके पास जाने से मैं रोकती भी नहीं। अगर कोई जच्चा मेरे पास आएगी तो उसे मैं ही देखूंगी या मीरा देवी, उसे मैं सुखिया के पास नहीं भेजूंगी। हाँ, अगर आप सुखिया को राजी कर सकें तो उसकी ट्रेनिंग का इंतजाम मैं करवा सकती हूँ, उससे गाँव का भी भला होगा और सुखिया का भी। कहानी है ये औरत की जुबानी, पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत। औरत जो बढ़ गई तो वो दब कर न रहेगी, हरगिज़ नए
समाज के जुल्मों को सहेगी। पढ़ने के हक को पाने की औरत ने है ठानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत। जमू रे, तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों किया कल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला, जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। काखा की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला, बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत शिक्षा पैसे वालों की, सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। कब सगरे सीख लिए पता ही ना चला। क्यों रे सुशीला, जे सगरे सीख ले और नहीं तो क्या। याद है राम प्यारे, तू क्या कहवे ही शुरू शुरू में? दो चार हो तो मगज खपा के याद भी कर ले इंसान, पर यहाँ तो दर्जनों हैं मेरी खोपड़िया में ना आने के। सच, मैं तो इतना डरे ही कि कैसे सीखूंगी पढ़ना। पता नहीं लोग पढ़ाई लिखाई से इतना डरे क्यों हैं, बहुत मुश्किल तो है ना। अरे मुश्किल क्या है, बस मन लगाने की बात है। जे तो सही है, एक बार कोई काम करने की ठान लेवे इंसान तो कर ही लेवे है। इस गीता को ही देखो, कैसे सीख ली सिलाई रसीदा भी से, वरना कोई कह सके हा कि जे बॉडम औरों को सिखा सकेगी सिलाई। पर कमाल है, इतना पढ़ गई मैं। ये तो ऐसे रही है ताई जैसे बड़ी MABA है गई हो। मेरे लिए जेई MABA से कम ना है। हाँ। हाँ। फिर तुम दोनों की चौंचे शुरू है गई। तुम दोनों का तो एक साथ बैठना दूभर है। जा, वहाँ जाके बैठ। मैं क्यों जाऊँ? कौशल्या, बहुत है गया। जा, उधर जाके बैठो। हाँ हाँ। बैठी रहने दे। कोई बात ना है, बैठी रहने दे। मर्जी तुम्हारी। एक पल लड़े, दूसरे पल प्यार करें। ओले ओले ओले। बंद करो मस्करी और तैयार है जाओ, मैं सबों का इम्तिहान लेने वाली हूँ। इम्तिहान? हाँ, ताकि पता चले कि तुमने सीखा कितना। किताब में लिखी चीज को पढ़ लेना लिख लेना एक बात है,
और अपनी मर्जी से लिखना दूसरी। मर्जी से माने? माने जैसे अशरफी ने उषा बहन जी को चिट्ठी लिखी है ना, हाँ। वैसा लिख सको? अरे क्या बात कर रही है, इतना लिखना हमारे बस का ना है? हाँ। बस यही बात से मुझे चिट है, हर बात में कह दो हमारे बस की ना है, हमारे बस की ना है। क्यों ना है तुम्हारे बस की? अच्छा अपनी अपनी कापियां खोलो, मैंने एक कविता बनाई है जो पूरी की पूरी इन्हीं अक्षरों और मात्राओं से लिखी जा सके है। मैं बोल के सुनाऊंगी और तुम लिखना, फिर देखूंगी किसने कितनी गलतियां करी। ज्यादा मुश्किल मत ना बोलियो। अरे मुश्किल कैसी, जब कह रही हूँ कि इन्हीं अक्षरों से बन जाएगी पूरी। सारों से? सारे चाहे ना लगे, पर जो भी लगेंगे इन्हीं में से लगेंगे। पर इतने सारे?